And good morning, everyone. Tomorrow is Sunday, because of that, I'm going to give you still more work from seventh class, and uh, tomorrow I give you other worksheets work for remaining students. That is uh, sixth, fifth, and remaining other class students. So first of all, I give few more works for seventh class. So all of you, please uh, open the page. Uh, lesson first lesson.

इस पिक्चर्स को हमको पढ़ना है और उस पिक्चर्स के बारे में यहाँ नीचे दिए प्लेस में हमको लिखना है देखिए मैं पढूंगा ये क्या है बोल के देखिए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट एटलीस्ट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो सो यहाँ क्या है पिक्चर को देखकर कर और पिक्चर में क्या है बोल के एक वाक्य में नीचे दिए डैश में लिखना है लेट अस सी द फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पिक्चर को आप देखिए क्या है फर्स्ट पिक्चर में एक अंधा आदमी वहाँ रोड के साइड में ठहरा है तो हमको इसको इंग्लिश में लिखना है कैसे ये देखिए अ ब्लाइंड अ ब्लाइंड स्टैंड एट द साइड ऑफ द रोड ऐसा भी हम लिख सकते हैं और हम ऐसा लिख सकते हैं अ ब्लाइंड मैन स्टैंड इतना लिखे तो भी चलेगा एंड यू सी द सेकेंड पिक्चर दूसरे पिक्चर में देखिए आप ब्लाइंड मैन रोड के रोड को क्रॉस कर रहा है सो so हम इस, इसको कैसे लिखेंगे अ ब्लाइंड मैन इज क्रॉसिंग द रोड सेकेंड पिक्चर थर्ड पिक्चर देखिए क्या है ब्लाइंड मैन को एक बच्चा हेल्प कर रहा है अ बॉय इज हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन यहाँ नीचे आपको लिखना है फोर्थ पिक्चर में देखिए क्या है ये देखिए ब्लाइंड मैन अंधा आदमी बच्चों को थैंक्स बोल के बोल रहा है सो so, कैसे लिखना है अ ब्लाइंड मैन इज थैंकिंग टू अ बॉय सो नेक्स्ट आई गिव गिवर्कशीट्स ऑफ दिस पोएम दैट इज डोंट गिव अप हियर आर सम एक्सरसाइजेस दैट इज रिडल्स लेट अस प्रैक्टिस नाउ हियर यहाँ क्या है रिडल्स है रिडल्स इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट क्या है देखिए व्हाट हैज़ स्केल्स बट कैनॉट वे थिंग्स इसका आंसर बोलना व्हाट हैज़ स्केल्स बट कैनॉट वे थिंग्स मतलब क्या है स्केल है मेरा पास मेरा पास स्केल है लेकिन वो स्केल से मैं क्या भी नहीं कर सकता मैं वेट भी नहीं कर सकता मैं वो स्केल लेकर क्या भी नहीं कर सकता लेकिन मेरा बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्केल है तो मैं कौन हूँ इसका मतलब है इसको हम रिडल बोलते हैं इंग्लिश में कन्नड़ा में वगटू बोलते हैं हम तो इसका आंसर क्या है मेरा पास स्केल है लेकिन मैं वो स्केल को यूज़ नहीं करता उस स्केल से क्या भी फ़ायदा नहीं है आप क्या भी वेट नहीं करते कर सकते मेरा स्केल से तो स्केल तो चीज़ क्या है द आंसर इज़ फिश आंसर क्या है फिश है मछली बोलते हैं ना मछली मछली के ऊपर स्केल्स रहते हैं लेकिन उससे हम वेट नहीं कर सकते सो क्वेश्चन नंबर टू व्हाट फ्रूट हैज मेनी आइज इसका मतलब एक फल है वो फल के वो फल के फुल वो फल के चारों तरफ आंख ही आंख है वाट फ्रूट हैज़ मेनी आइज मैं एक फल हूँ मेरा चारों तरफ मेरा बॉडी के ऊपर कहाँ भी देखो आप सिर्फ आइज़ है आंख है मैं कौन हूँ तो सोचिए कौन हूँ मैं मेरा बॉडी का फुल मेरा बॉडी के ऊपर आंख है मैं कौन हूँ तो आंसर क्या है पाइन आप पाइन को देखिए कैसा रहता है देखने के लिए बॉडी के ऊपर सिर्फ आंख जैसा दिखते हैं ना सो आंसर क्या है फ्रूट का नाम पाइन सो थर्ड क्वेश्चन रिडल क्या है देखिए व्हाट इज़ इट दैट इज़ सीन बैर एज इट ग्रोज डार्कर सो वो कौन सी चीज़ है वो हमको कितना अंधेरा होता है उतना अच्छा दिखता है वो चीज़ कौन सी है बताइए वो चीज़ कौन सी है जो हमको बहुत अच्छा दिखता है अगर बहुत अंधेरा हो गए तो कितना अंधेरा होगा उतना ही उसको हमको अच्छा दिखेगा वो कौन सी चीज़ है वट इज दैट इज सीन बेटर एज इट ग्रोज डार्कर उसका आंसर है तारा स्टार उसका आंसर क्या है स्टार तारा ओ हमको कितना डार्क कितना अंधेरा होता है उतना अच्छा दिखता है सो फोर्थ रिडल चार फोर्थ रिडल क्या है देखिए वट इज इट दैट वाइप्स इट्स फेस विथ टू हैंड्स ऑल द डे वो कौन सी चीज़ है वो हमेशा अपना दो हाथ से आ, क्या झाड़ू मारता ही रहता है वो चीज़ कौन सी है ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है सो देखिए वॉट इज इट दैट वाइप्स इट्स फेस विथ टू हैंड्स ऑल द डे मैं मेरा दोनों हाथ दोनों हाथों से हमेशा झाड़ू मारता ही रहता हूँ मैं कौन हूँ सोचिए इसका आंसर है हमारा घड़ी क्लॉक बोलते हैं हम सी एल ओ सी के क्लॉक। देखिए घड़ी में दो हैंड्स रहता है दो नीडल्स रहता है वो हमेशा चालू ही रहता है उसका मतलब क्या है मैं मेरा पास दो हाथ है और दोनों हाथों से मैं हमेशा झाड़ू मारता रहता हूँ इसका मतलब क्लॉक है क्लॉक में दोनों हाथ रहता है और दोनों हाथों से हमेशा वो चालू ही रहता है एक है मिनट हैंड और एक है आवर हैंड और एक छोटा सेकेंड हैंड भी रहता है, और है, और है सो so आंसर क्या है क्लॉक फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखे व्हाट इज़ दैट विच वी स्वेलो एंड लिव बट वेन इट स्वेलोज वी डाई वो कौन सी चीज़ है जो हमको ज़िंदा रख रखता है अगर हम हमको वो खाया तो हम मर जाते हैं सोचिए कौन सी चीज़ है उसके बिना हम जिंदा नहीं, नहीं रह नहीं रह सकते और हमको जरूरी है अगर वो हमको खाएगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते सो देखिए व्हाट इज़ दैट विच वी स्वेलो एंड लिव बट व्हेन इट वी अस वी डाई इसका आंसर क्या है पानी वाटर देखिए वाटर के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते अगर वाटर में गिर गए तो हम मरते हैं तो इसका आंसर वाटर है सो so, यहाँ आज हम प्रैक्टिस किए रिडल्स इसको आपको भी पढ़ना है प्रैक्टिस करना है मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूँगा मंडे के दिन आप ये वीडियो देखे अभी अभी से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बताऊंगा अब मैं कल सिक्स क्लास फिफ्थ क्लास फोर्थ क्लास बाकी बच्चों को मैं प्रिपेयर करूंगा वीडियो सेवन क्लास को बच्चों प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो विदाउट फेल थैंक यू सबको मैं थैंक यू ओके थैंक यू वन एंड ऑल